देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जेल तो तू जा के ही रहा, और अगर तू कुछ छुपाइला तो तहार सजा और भी लंबा हो सकता। बताओ हमरा के हाउ आदमी जेकरा के तू घर में छुपे में मदद कइला, और अगर तू कुछ भी छुपाइला ना तो तहार सजा दोगुना हो सकता। और तू ये अच्छा से जाना तरह के पूछताछ के समय मुजरिम अगर कानून के कुछ ना बतावे तो ओकर एनकाउंटर भी हो सकता। और तहरा तो अपन जान बहुत प्यारा बाना अथर्व। मलान कल्याणी कहाँ भिया? या अब हमरा से कहे पूछा तेरी माई? कल्याणी तो आपके साथ रह ली ना? ना। कल्याणी कहाँ भी अथर्व? अगर हम मल्हार के सब कुछ सच सच बता देंगे तो कबो ना माने कि केसो केहू के जान लेवे के चाहत रहल, और ये बात के हमके भी पता ना रहल। वैसे भी मल्हार के पास हमरा खिलाफ कोनो सबूत तबाना बेहतर होगी कि हम अभी चुप रहें। हम पूछने कल्याणी कहाँ भी अथर्व? मल्हार राणे जोन आधा अधूरा रिकॉर्डिंग बाना तुहरा पास, उससे हमार कुछ ना बिगड़ी, और सच तो तू जाना ही नहीं था। सर, ना मल्हार राणे हथकड़ी लगावे से कुछ ना होखी, और वो रिकॉर्डिंग के कोर्ट में कोनो कुत्ता भी ना पूछी। कुत्ता के मौत तो तुम मर बात हर्फ, और कोर्ट कचहरी कानून के बारे में हमरा तारा से जाने के पड़े, इतना बुरा दिन भी नहीं क्या हमारा। ना मारोगी ना? फिलहाल तो हमरा कल्याणी के ढूंढने जाएगी बा। एक बार वो हमरा के मिल जाओ तो फिर हम तरह के खुद घसीटते हुए जेल तक ले लेके जाए। तब ले तू अपन हड्डी गिन ला, काहे कि ओकर आंकड़ा बढ़े वाला बा। चला। एकर मतलब हवन कुंड के लकड़ियन में जहर बा? केहू बा, केहू दरवाजा खोला प्लीज, हमरा के यहाँ से बाहर निकाला। केहू बा, बा केहू। का करी, कैसे निकली यहाँ से बाहर? ना कोनो न कोनो रास्ता तो होई, यहाँ कौन तो रास्ता हुई। पूजा खातिर थैंक गॉड, एकर पहले कि केहू आए और ई धुआं के इनहेल करे, हम ही हवन कुंड के उठा के कहीं दूर फेंक दे।
पवार, हमने लगा था ये हमनी के कहीं ले जाके चाहता। खुला एक रखे। दूर हट, दूर हट जा सब लोग। मुंह पे हाथ रखा सब लोग, ये में जहर बा। प्लीज दूर हट जा। पता था ना, चल गई और सबके जान बचावे खातिर खुद के संकट में डाल देले होगी। हे भगवान, यानी फोन करने के उठाओ तो हमार चला। निकाल हो गया। तू तू मलार के केशव के बारे में काहे ना बताएला? अरे सच बोल देता मलार तेरा छोड़ देता ना, काहे ना करा। ना संपदा ना, तो के लागत बा हम मलार के सब कुछ सच सच बताती, वो हमारा बात मान ले। बात होने की बात ही बा कि केशव पूरा देशमुख खानदान के काहे मार देबे के चाहता। हाँ, ऐसन एक खानदान से होकर का दुश्मनी बा? और माई केशव के बारे में मल्हार के काहे ने की बता रहा है? बात ही बा, हमार बात ध्यान से सुना। कल्याणी, का दुश्मनी बता रहे हमरे साथ? का दुश्मनी बता रहा हमरा से? बचल कुचल मिट्टी से ही सही, लेकिन तू ही बनेले बड़ा नाम के। फिर बचपन से सिर्फ तकलीफ ही काहे देला? बचपन में हमसे हमार माँ बाप के छीन लेला। पति भी ऐसन देलस जे मांग में सिंदूर के बजाय सिर्फ अकेलापन देलस। लेकिन इस सारा तकलीफन के हम अपना गलतियन के शिक्षा समझ के भोगत रहनी। लेकिन अब ना, अपन बेटी के हम तहरा हमरा से छीने ना दे। हमरा से और दूर ना जाएल जाए। ये गुफा में छोड़ के चल जाता नहीं हम इकरा के लोग से दूर। We'll be right back.
अपन घर वालन के तो बचा ले लू तू कल्याणी, लेकिन अब यहाँ से कैसे निकलबो? यहाँ पे तू बंद पड़ू केहू के पता भी ना चली, घुट घुट के दम तोड़ देबू तू, यहाँ घुट घुट के मरबू। केहू तो हर मदद करे खातिर ना आई, केहू ना आई। लेकिन अब ना ही ये पेटी रही और ना ही हमनी के बीच कोनो दूरी। कल्याणी के हमरा से ना छीन सकेला, और अगर ऐसा हो गया ना तो एगो माँ के प्रकोप के तहरा के सहे के होगी, एगो माँ के आंसू के प्रलय का हो खेला ये तहरा देखे के होगी। दुर्गा प्रसाद लेके कहां जाए के चाहता? सर कहीं और चल के देखल जाओ का, कल्याणी मैडम तो यहाँ कहीं नहीं दिखत ना। दुर्गा प्रसाद कुछ कहे के चाहता, ऐसे बिना बात कह जल आए के ना रुकी, कुछ तो बा, कुछ तो ऐसा बा। दुर्गा प्रसाद का बात बताओ, ऐसा कहा भेजा हाँ, ऐसे काहे ले गाली बड़ा तू? गुफा लगा था हमरा। हाँ सर, मदद करा। रुकाए जा, हम आओ तनी जी, आराम से सर। कल्याणी, कल्याणी उठा, कल्याणी साहब बताई ना, हमार पोती ठीक हो जाए ना? कल्याणी,
कल्याणी, कल्याणी आँख खोला, कल्याणी आँख खोला, कुछ ना हो की तरह कल्याणी, कुछ ना हो की तू शांत हो जा। ऐसा ना भरोसा के साथ ना कह सके नी बड़की माई, सच तो ही बाकी कल्याणी की हालत फिलहाल नाजुक बा, जब तक पता नहीं चल जात कि इनका शरीर में जहर फैलल कैसे, हम लोग कुछ ना कर सके नी। ऐसा कैसे कह सके नी, आप कुछ ना कर सके नी, पढ़ा लिखल बानी ना आप, अगर आप भी कुछ ना कर सके नी तो हम नी तो टूट ही जाए, आपके हमार बेटी के ठीक करेगी होगी, समझ नहीं आप। कल्याणी देखो तरह कुछ ना होगी, आँख खोलो कल्याणी, कल्याणी आँख खोलो ना। डॉक्टर साहब आप जानत ना बानी हमार बेटी के, वो सिर्फ 18 साल के भी है लेकिन बहुत हिम्मत बाखरा में, ये दस जहर होकर कुछ ना बिगाड़ सकेला, कुछ ना होके दे हम कल्याणी के, हम अपन बेटी के कुछ ना होके दे। अनुप्रिया जी शांत हो जाए ना, कल्याणी हम तारा कुछ ना होके दे, अनुप्रिया जी हमारी बेटी के कुछ ना होगी। देखा अथर्व, एबरा हमार दिमाग घूमल बा, हम जीवन के ऐसन मकाम पे खड़ा बानी कि हमरा कोनो अंजाम से डर नहीं खेलागत, कहीं ऐसा ना होके कि हमार गुस्सा तहार मौत के कारण बन जाओ। हमरा के बता दा कि तू जहर कौन चीज में मिलवा ले रहला। तोहर गुस्सा हमार मौत के कारण कैसे बनी मल्हार रानी, जहर कहाँ बा हमके नहीं मालूम। चुप, केशव, केशव बता दा तू जहर कहाँ डाले रहला, केशव कल्याणी के अंदर जहर कहाँ से गए। देखो केशव, भगवान खातिर हमके बता दा तू, तू जहर कहाँ डाले रहला, हम तेरे आगे हाथ जोड़ा तानी, पैर पड़ा तानी, केशव हम कुछ भी करे खातिर तैयार बानी, लेकिन हमारे बेटी के बचाव केशव बता दा। अनु जवन कहब करे खातिर तैयार बाड़ू, आज हमरा से मिले। ठीक बा केशव, हम आज तहरा से मिले, लेकिन एक बार बता दा उजहर तू कहाँ डले रहला। सिर्फ एक बार मिले से तू कल्याणी के जान के सौदा नहीं खू कर सका, अगर तोहरा जाने के बाद कि हम जहर कहाँ छुपोले बानी तो तोहरा वो परिवार के छोड़ के हमरा साथ चले के पड़ी हमेशा खातिर। अतुल के परिवार से और वो कल्याणी से दूर होके पड़ी हमेशा खातिर, कल्याणी के जान बचावे खातिर तोरा कल्याणी के दामन छोड़े के पड़े हमेशा खातिर। ठीक बा केशव, हम आए तोरा से मिले, बतावा कहाँ आए के बा, हमारे पीछा मत करिया, हाँ कल्याणी के तहर जरूरत बा तो ये रुकिए कल्याणी के साथ। अगर तोरा जाने के बाद कि हम जहर कहाँ छुपोले बानी तो तोहरा वो परिवार के छोड़ के हमरा साथ चले के पड़ी हमेशा खातिर, कल्याणी के जान बचावे खातिर तोहरा कल्याणी के दामन छोड़े के पड़ी हमेशा खातिर। देखा थर्व, एबरा हमार दिमाग घूमल बा, हम जीवन के ऐसन मकाम पे खड़ा बानी कि हमरा कोनो अंजाम से डर नहीं खेलागत, कहीं ऐसा ना होके कि हमार गुस्सा तहार मौत के कारण बन जाओ।
हमरा के बता दा कि तू जहर कोना चीज में मिलवा ले रहला। तोहर गुस्सा हमर मौत के कारण कैसे बनी मल्हार रानी? हम अच्छा तरह से जानत बानी कि तू गैर कानूनी काम ना करबा, और हम सच बोल रहे बानी कि हम जहर कहीं नहीं खिरक ले। चुप! एक उल्टा हाथ के देमना तो चेहरा के भूगोल बदल जाई। तो ठीक बा, तू भूगोल ही बिगाड़ ला, लेकिन ओसे तो हर बीवी के तबियत ठीक नहीं के रखे वाला राणे साहब, हमके नहीं खे पता कि जहर कहाँ बा। अरे कैसा आदमी बड़ा तू, हाँ वहाँ कल्याणी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहल बा, और तू कुछ भी बोले की खातिर तैयार नहीं खे। अरे कुछ तो बोला, कम से कम तुहार पुरान पाप तो धुल जाई, तुहार एक गुस्सा जो कर जिंदगी बचा सके लिया था, हम तुहरा आगे हाथ जोड़ा था नहीं। अरे बोल ली ना, नहीं खे मालूम कहाँ बा जहर, और दोबारा अब मत पूछिए हमसे कि जहर कहाँ बा, समझला? जाने के बाद ककरा मालूम बा? हाँ माई से पूछे कि जहर कहाँ बा। कहाँ बा सर? उनके पता बा। हाँ समझला? तारा चिल्लाला से ना हमरा कोनो फर्क ना पड़े, और बड़ी माई आप केकर बात मानता नहीं, अगर माई के पता हो इतना तो माई ऐसा बात छुपा के ना रखती। अरे सही तो कहा था हमार भाई, माई के जहर के बारे में पता रहे ना, फिर भी वो एक बार केहू के ना बतेली कि उनका जहर के बारे में कैसे पता चलल, बाकी ना हा? अरे माई आप ऐजा कोनो काम बा? अच्छा आप मंदिर के सीढ़ी धोए के मन्नत ले ले बानी ना, है ना? पंडित जी बतावत रहलन कि कोनो औरत बिया जो हर शाम आके मंदिर के सीढ़ी धो जाले, बड़ा पुण्य के काम करत हनी माई। केशव कहाँ बड़ा तू केशव? कल्याणी आंख खोला, डॉक्टर साहब कहाँ होता कल्याणी के? डॉक्टर साहब हम कौन बात का इंतजार कर रहे हैं, हम एक लेके हॉस्पिटल कहे न जा रहे हैं। हॉस्पिटल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर बाबर की नहीं, हम एम्बुलेंस के तो बुला ले बनी, लेकिन उनके पहुँचे में थोड़ा वक्त लगी। परमेश्वर जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए। केशव कहाँ बड़ा तू केशव कहाँ बड़ा तू केशव? केशव केशव पार शरीर में जहर गैल कैसे, हम कुछ ना कर पाए। कौन बात के डॉक्टर बनी आप? देखना ओकरा के का होता। केशव दरवाजा के अंदर हवा अनु।
पागल हो तू अनु? वो परिवार के छोड़ के वो लोग जे कबो तोहार आपन रहले ही ना। देखो केशव, केशव हम आपन वादा पूरा कर ले बानी ना। हाँ, अब जल्दी से बता दा, तू जहर कहाँ मिले ले रहला? कल्याणी के अंदर जहर कहाँ से गए रहे? केशव बता दा जल्दी। तहार वादा पे भरोसा करके आयल बानी, वो भरोसा के टूटे मत दिया। जहर हम हवन कुंड के लकड़ी में जहर मिलावले रानी हम। कल्याणी के शायद ही बात पता चल गई होगी, यही खातिर वो हवन कुंड लेके दूर दूर भाग गए, सबके जान बचावे खातिर। और वही दौरान वो जहरीला धुआं ओकरा अंदर चल गई होगी। मलार की फोन करके बताए के होगी। इतना जल्दी ना आनो। देखा केशव, वो बच्ची के जान लेके तारा काम मिले वाला बा केशव, हम तो हर बात मान लेनी ना। तू जे कहबा हम करे खाते तैयार बानी। देखा केशव, हम अपन वादा पूरा कहनी ना। तू जे कहबा हम करे खातिर तैयार बानी। बस बस हमके एक फोन करे दा मल्हार के, एक फोन। कल्याणी ठीक बा, लेकिन तू मल्हार से ही कहबू कि तू कल्याणी के सेहत खातिर मन्नत मंगले रहलो और उहे पूरा करे तू पूना जा रहल बाड़ो, ताकि केहू तो हर पीछा मत करे। लीला लगावा फोन। मल्हार माई माई, कल्याणी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब कहत रहे जब ले पता नहीं चल जाए कि जहर कैसे फैलल। मल्हार मल्हार सुना, हवन के लकड़ी में जहर रहे मल्हार। वो दुआ के अंदर लेवे के वजह से कल्याणी के शरीर में जहर फैल गई बा। डॉक्टर साहब जहर माई, आपके ही सब कैसे पता? माई आप इब्रा कहाँ बनी? माई हम पूछने आपसे, आप इब्रा कहाँ बनी? मलार हम बाद में बताए, अभी खातिर बस इतना ही। और सुना, कल्याणी के जान के खातिर हम मन्नत मांगले रहनी, वो पूरा करे खातिर हम पूरा जा रहल बनी। कल्याणी के जान बचाला मलार, भगवान खातिर हमार बच्ची के बचाला। हवन कुंड के धुआं में जहर है डॉक्टर साहब, ओकर धुआं सुंगला के वजह से कल्याणी के शरीर में जहर फैलल बा। और कितना आंसू भाईबू अनु, वो लड़की से तोहार कोनो रिश्ता नहीं खे अनु। अतुल और दूसर औरत के ना जायज औलाद बियाऊ, ओकरे वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई बानु। तोहार शराब बियाऊ, तोहार जिंदगी पे शराब।
खबरदार अगर कल्याणी के ना जायज कहलाता। कल्याणी हमार बेटी दिया, माँ बानी हम होकर हमार जिंदगी के इस श्राप ना वरदान दिया। ये तू ना समझ पाईबा केशव, लेकिन ये है सच बा। हमनी के बीच जे राबता बा अनोखा बा, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जे सिंदूर बाना उतने पवित्र बा। कल्याणी के खिलाफ एक शब्द भी हम सुन ना पाए। केबा, हाँ केबा, हाँ केबा, केबा, खोला दरवाजा। केबा, हाँ दरवाजा खोला। लगा था उनके हमारा आवाज भी न सुनाई दे रहा बा। दरवाजा खोला। केशव, मंदिर बंद होके के समय हो चुकल बा। अब का करल जाओ? तू चिंता मत कर अनु, हम बानी ना कुछ कुछ रास्ता ढूंढता नहीं। अनु, सुबह मंदिर के दरवाजा खुला थी, चल जाए हमनी के यहाँ से। तू चिंता मत कर। केशव, हम कुछ भी करे खातिर तैयार बानी। बतावा कहाँ आए के बा? आ रहल बानी। कल सुबह एगो बड़ा तमाशा खातिर तैयार हो जात हर। कल मंदिर के दरवाजा खुला थी, माई खातिर घर के दरवाजा हमेशा हमेशा खातिर बंद हो जाए। लेके जाए करा के, और एक राके तब तक मानत रहिया जबले सच ना उगलो। और हाँ शिंदे, अगर तू सच ना बोलना ना तो चले फिरे के लायक भी ना रह पा। लेके जाए करा के। रुक जाए एसीपी राणे, ये मिस्टर अथर्व के नाम के एंटीसिपेटरी बेल मजिस्ट्रेट साहब के सिग्नेचर हुई बा एकरा पे, देख ली। का लगत रहल तोके कि तुहारी हवलदार साहब हमके ऐसे उठाए के ले जी हैं और हम चुपचाप चल देब इनका साथ? मल्लार राणे फिर से बोल रहल बानी, गलत जगह तीर चला रहल बड़ा बार। और का करबा पिटवा के, कैसे निकलो बा उस सच जोन हमके मालूम ही नहीं खे। मां कसम अथर्व, तारा खिलाफ सबूत तो हम ढूंढ के रहा। कल सवेरे तू जेल में कटबा। छोड़ देख रखे, हमके जेल भेजे से पहले कल सवेरे तुहार होश उड़े वाला बा मल्लार राणे। बेचारी कल्याणी होश में आते हो के एगो और जोर के झटका लगी। मल्हार जी। कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी। मल्हार जी, तू ठीक बाड़ू? उठ जा, आराम से आराम से। हम कहां बानी? का लगा था तहरा? हमरा के हमार कमरा लगा था, तहरा का लगा था? अब ना हो, हमार मतलब हम लास्ट टाइम गुफा में रहनी। हाँ, गुफा में रहलू ना, सैर करके रहलू ही जा। अंधेरा में तो जो सेल्फी भी ना अच्छा होत होई, तो फिर
अब माँ का बड़ी और पिल्लू पहले हमारे सवाल के जवाब दा। क्या करेगा लालू गुफा में? हम बाड़ू तू का समझ लो अपने आपके आर्मी में बाड़ू ना एयरफोर्स में बाड़ू ना नेवी में बाड़ू नहीं खनू तो का समझ लो अपने आपके जहां से गिरानी बाड़ू हर बार और लोग के जान बचावे खातिर खुद के जान दांव पे लगा दे लू मजाक चलता है जा का करेगा ले लू गुफा में जी अपना पहले हमरा की डांट ली हम फिर पानी पिया सॉरी पानी पानी पीला पीले कहां बाड़ू तू ठीक से पीला मल्हार जी अब आपके पता कैसे चलल कि हम वहां पे रहनी और माँ कहाँ बड़ी पता नहीं दरवाजा कहा है ना खुल रहा है हमके तो बहुत डर लग रहा है केशव कहा हो कि जब लोगन के ये पता चली कि हमनी दोनों रात भर इन बंद दरवाजा के पीछे रहनी हम तो तरह पहले ही कहते रहनी कि हमने के कल रात के ही निकल जाए के चाहत रहे तो क्या बात सुबह सुबह अरे भगवान यू है मंदिर बा कौन सा मंदिर बा ये मंदिर में आज के दिन बड़ी माँ के हाथ गांव में बारिश खातिर पूजा होके वाला रहे बड़ी माँ भी आई लो की बाहर ऐसे ढोल बज हमके तो कुछ समझ में ना आ रहा ना का करी कल्याणी के अकेले छोड़ के अलू हमरा के तने भी पसंद ना आयल अरे ना आई थी हमरा साथ तो का फर्क पड़ जाती इतना काहे चिंता कर रहा बाड़ू बड़की माई बाड़ी में जिंदा हूँ अब हमार मतलब आ कि जल्दी से पूजा खत्म करके ना हमने के घर चल जाए बच्ची के बहुत चिंता हो रहा हमरा के हाँ चला नमस्कार बड़की माई भगवान अब का हो कि पता ना हमनी बाहर कैसे जा पाए हमके तो कुछ समझ ना आ रहा ना अनु शांत हो जा तू रोबू तब हमार दिमाग कहाँ से चली निकाल अब कौन रास्ता जरूर निकली अनु